आप क्वेश्चंस कर रहे हो, डिफरेंस क्या है ये देखना है हमें सबसे पहले, और डिफरेंस को समझना पहले बच्चे यहाँ पे। बेटा यहाँ पे एक्स लिख रहा हूं मैं 46, 56, 39, 45, 54, 58, 36, 40। यहाँ पे बच्चे वाई लेते हैं हम अपना 30, 60, 40, 50, 70, 70, 30। बेटा यहाँ पे देखिए, अब मैंने बच्चे आपको जो रैंक देने का तरीका बताया था, वो बताया था कि असेंडिंग में ले लेते हैं हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ बच्चे R1। सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा यहाँ पे 36, तो इसके सामने हमने रैंक दी 1। 36 से ऊपर जाते हैं तो 39, 39 के बाद 40, 40 के बाद 45, 46, उसके बाद आ गया आपका 6, 7, 8, और टोटल मेरे पास नंबर भी कितने हैं बच्चे यहाँ पे 8 हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हम पहले भी कर रहे थे, नया क्या हुआ इसमें। अब नया देखो वाई पे आते हैं हम, यहाँ पे इसकी रैंक निकालते हैं R2। सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे कितना दिख रहा है यहाँ पे सबसे छोटा 30। अब आप देखोगे 30 जो है, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, तो जब नंबर रिपीट हो जाते हैं ना, तो अब उसमें रैंक कैसे दोगे आप भाई, एक को तो एक ही रैंक दे सकते हैं ना। अब 30 आ गया दो बार आपका, कितनी बार आ गया बच्चे यहाँ पे 2 बार। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ये देखो 30 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2, 1 और, समझ आ रहा है 1 और 2 कैसे भाई, 30 1 30 2, तो इसकी एवरेज निकाल लो आप 1 + 2 / 2, तो 3 / 2 कितना हो गया बच्चे ये 1.5, कितना आ गया ये 1.5। तो बच्चे इसको भी आप रैंक दे दो 1.5, और इसको भी आप रैंक दे दो कितनी 1.5। रैंक समझ आ गई कैसे देते हैं, जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उनका एवरेज निकाल लो रैंक का, और वो रैंक दे दो आप। अब अगले पे जब जाओगे तो 2 तक तो हो गई ना रैंक, अब अगली रैंक कौन सी है बेटा मेरी 3। अगली रैंक कौन सी है, कहाँ पे आएगी, 30 के बाद क्या आएगा 40। चलो जी 3 हो गई यहाँ पे। अब 40 के बाद क्या दिख रहा है बेटा मेरे को 50, लेकिन 50 भी कितनी बार है 2 बार है यहाँ पे भी यार। तो अब 3 से अगली रैंक कौन सी होगी 4, और 4 से अगली कौन सी होगी 5। तो 4 + 5, 4 + 5/2, 9/2, ये कितना आ गया बेटा 4.5। तो आप बेटा इसको जो रैंक दोगे वो क्या दोगे 4.5, और यहाँ पे भी कितनी दे दोगे इसको 4. अब कहाँ तक रैंक कंप्लीट हो गई बेटा मेरी 5 तक, कहाँ तक रैंक चली गई मेरी 5 तक। अब 5 के बाद अगली रैंक क्या आएगी 6, 6 किसको मिल जाएगी 60 को। उसके बाद 7 और 8 पे क्या दिख रहा है मेरे को फिर से अगेन 70, रिपीट है। तो 7 + 8/2, 15/2, कितना आ गया 7.5, तो यहाँ पे भी 7.5, और यहाँ पे भी 7.5। तो यानी जहां पे 2 रिपीटेड नंबर आ जाए, मान लो अब एक चीज समझना, और ये जो 70 था ये 3 बार आ जाता, ठीक है, ऐसे आ जाता ये 3 बार, 5, 6 और 7, यानी 5वीं रैंक पे 6ठी रैंक पे और 7वीं रैंक पे। तो मैं क्या करूंगा 5 + 6 + 7 / 3, 3 का समेशन कर रहे हो ना, तो एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एवरेज निकालो और उसको क्या ले लो एक तरीके से, उसकी रैंक बना दो आप। अब आप R1 मिल गया आपको बच्चे, R2 मिल गया, क्या चाहिए होता है मेरे को सबसे पहले D का फॉर्मूला R-, चलिए माइनस करते हैं बेटा, सबसे पहले आएगा 5 में से 1.5 क्या 3.5, 1 - 1 -0.5 -1.5 0.5 -0.5 -1. अब इसका यहां पे क्या कर लो बच्चे स्क्वायर 12.25, 1 1, अगला आया बेटा 0.25, 2.25, 0.25, 0.25,
2.25 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19.5। ठीक है, अभी क्या आया बेटा, सिर्फ आपका डी स्क्वायर निकल के आया। इसमें नया जो सीखा है हमने, वो क्या सीखा है कि रैंक किस तरीके से निकलेगी अगर नंबर रिपीटेड है उस कंडीशन में, तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। अब इसके अंदर फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज समझाऊंगा कि फॉर्मूले के अंदर एडिशन किस किस चीज की हो रही है। बेटा इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, अगर मेरे को रैंक कोरिलेशन निकालना है, देखो बच्चे, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1-6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3 अपॉन में n3 माइनस n। इधर कुछ नहीं करते तुम, ना सुनते ना कुछ, ठीक है ना। ये आपका बेटा फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो फॉर्मूला नहीं है, इतना ही है यहीं तक, ठीक है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना बेटा, कौन सा 1/12 m1 cube minus m1, ये उतनी बार ऐड होता चला जाएगा। देखो एक बार यहाँ आया, एक बार फिर यहाँ आया, एक बार ये यहाँ आया, तीन बार ऐड हुआ ना। ये तीन बार ऐड क्यों हुआ, हमारे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर नंबर कितने रिपीट हुए, एक तो 30 रिपीट हुआ, एक 70 रिपीट हुआ और एक 50। तो कितने नंबर रिपीट हुए, तीन नंबर रिपीट हुए। तो तीन नंबर रिपीट हुए तो ये कितनी बार ऐड हुआ, तीन बार। चार नंबर रिपीट होते तो कितनी बार ऐड होता, चार बार। दो नंबर रिपीट होंगे तो कितनी बार ऐड होगा ये पूरा पोर्शन, उतनी बार। यानी जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार ये m1/12 वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा माइंड में वो ये आएगा, चलो सर ये समझ आ गया ये क्यों ऐड हुआ। अगला क्वेश्चन ये आता है, सर ये m1 m2 की वैल्यू क्या है। m1 m2 की वैल्यू है बेटा नंबर ऑफ रिपीटेशंस, मतलब ये m1 मैंने 30 के लिए लिया है, 30 कितनी बार रिपीट हुआ बेटा, दो बार। 30 कितनी बार रिपीट हुआ, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, दो। ऐसे ही बेटा 50 कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार, तो m2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, दो। 70 कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, दो। मान लो कोई नंबर तीन बार रिपीट होता तो m की वैल्यू क्या हो जाती, तीन। समझ आ रहा है, जितनी बार कोई नंबर रिपीट होगा वही क्या बन जाएगी, उसकी m की वैल्यू कहलाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है बेटा 19 प्लस 1/12 m1 क्या है 2, ठीक है, प्लस अगेन 1/12 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 अगेन 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन में n कितना है बेटा मेरे पास 8, 8 का क्यूब माइनस में। अब देखो सॉल्व होने के बाद ना ये फॉर्मूला बड़ा लगता है शॉर्टकट की तरह, लेकिन सॉल्व होने के बाद ये अपने आप इजी हो जाएगा बहुत। कैसे देखो जरा, देखिए बच्चे इधर 1-6 19.5 प्लस 1/12 बेटा 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस में 2 प्लस 1/12 अगेन 8 माइनस में 2 प्लस 1/12 अगेन 8 माइनस में, ठीक है बच्चे। 8 का आप यहां पे क्यूब ले लेंगे, 8 का क्यूब हो गया 512 माइनस में 8। अब देखो 1-6 19.5 प्लस 1/12 इंटू में 8 में से 2 गए कितने बचे 6 प्लस 1/12 इंटू में फिर से 8 में से 2 गए कितने बचे 6 प्लस 1/12 इंटू में 8 में से 2 गए कितने बचे 6। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे बच्चे 512 में से 8 जाएंगे कितने बच जाएंगे 504। अब देखो 6 से काटोगे ये आधा बच गया, ये भी आधा बच गया और ये भी
तो अगर देखा जाए आधा 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 कितने हो गए ये, डेढ़ हो गया टोटल, कितना हो गया डेढ़, डेढ़ को इसमें प्लस कर दो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो 1 माइनस 6 21 अपॉन में 50 1 माइनस 6, आप 6 की मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, 6 2 12 अपॉन में 50, तो 126/504 1 माइनस 0.25 = 0.7, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे जो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में हार्ड कुछ नहीं है और इजी हो जाएगा बल्कि कैलकुलेशन के तौर पे, क्योंकि ज्यादातर m की वैल्यू 2 ही आएंगी आपके लेवल पे या किसी किसी क्वेश्चन में 3 देखने को मिलेगी। ये सारा कुछ आधा आधा होके अपने आप क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी कर देगा आपकी। दो चीजें आप दोबारा से समझ लो, इसी में दिक्कत आएगी, फॉर्मूला समझ लो बच्चे ये वाला। देखो जो मैं आपको पोर्शन बता रहा हूं दोबारा से देखो, इधर ये वाला पूरा पोर्शन एक ही है, बस ये ऐड कितनी बार होगा उसे समझना है। इस क्वेश्चन में मेरे नंबर देखने हैं मुझे कौन कौन से रिपीट हुए जी, हमारा नंबर हुआ 30, 50 और 70, तो हमारे टोटल नंबर कितने रिपीट हुए, 3। तो ये जो पोर्शन है ये कितनी बार ऐड हुआ, 1, 2 और 3, पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू वो होगी बेटा कि नंबर कितनी बार रिपीट हुए, तो 30 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार, 50 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार, 70 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार। तो जितनी बार रिपीट हुए वो क्या बन गई बच्चे आपके यहाँ पे, m की वैल्यू बन गई। क्लियर है, इधर देखो बच्चे क्वेश्चन है आपके पास, x 10 6 9 10 12 13 11 9, वाई है बेटा आपके पास 9 4 6 9 11, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अब देखिए बच्चे करेंगे क्या आप, पहले इसमें सबसे पहले हम इसमें रैंक लेते हैं, देखो बेटा इधर सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 6 1, उसके बाद 9 है हमारे पास, तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3, 2 और 2 जमा 3 अपॉन में 2 कितना हो गया बेटा, 2 पॉइंट, तो यानी कि 9 को जो रैंक देंगे हम वो कौन सी देंगे, 2.5। 3 तक निपट गए अब, ठीक है। 3 के बाद अगली रैंक क्या आएगी बेटा, 4, वो किस पे आएगी, 10 पे, तो वो कहाँ आ रहा है, 4 और 5 9, 9/2 4.5, ठीक है जी। अब एक मिनट सुन लो भाई, अब ये हो गया आपका कहां तक की चलेगी रैंक, 4 और 5 तक की, 6 पे कौन सी आएगी, ये रही, 7 पे कौन सी आएगी, ये, 8 पे कौन सी आएगी, क्लियर है जी। अब आओ इसके बाद वाई पे, ये क्या हो गया बच्चे आपका यहाँ पे R2, नंबर 1 पे कौन सी रैंक आई, भाई 1 पे कौन सी आ रही है, 4, लेकिन ये 1 और 2 दोनों पे आ रही है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, और ये भी कितना हो गया 1. तो 2 रैंक चली गई, 2 के बाद तीसरा नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, 8, 8 के बाद कौन सी रैंक लेनी थी बेटा मेरे को, 4 रैंक हो गई ना, 5 और 6 पे क्या आ गया, 9, 5 और 6 पे क्या आ गया हमारे पास, तो 5 जमा 6 कितने हो गए, 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5, तो 5.5, और ये भी कितनी हो गई, तो 6 तक चली गई, 7 और ये 8। अब बेटा यहाँ पे क्या निकालो आप, डी R1 माइनस, तो बेटा 4.5 में से 5.5 गए 1, 1 में से गया -0.5, 2 में से गए 0. 4.5 में से गया 1, 7 में से 7 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गया, 1.5 गया 1। अब इसका क्या निकाल लो यहाँ पे, डी स्क्वायर 1,
0.25 वन जीरो जीरो चार एक, चार और एक पांच, पांच और एक छह, छह और एक सात, सात साढ़े, ये क्या आ गया बच्चे मेरे पास यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया। अब जब फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा यहाँ पे, इधर देख लो बच्चे, आर के इज इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेल्व एम वन का क्यूब माइनस एम वन। भाई नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं बच्चे हमारे, एक नंबर रिपीट हुआ नौ, एक नंबर रिपीट हुआ दस, एक सीरीज में यहाँ पे भी नौ रिपीट हुआ और चार रिपीट हुआ, तो टोटल नंबर कितने रिपीट हुए, चार बार रिपीट हुए, तो ये फॉर्मूला कितनी बार ऐड होगा हमारा, चार बार, वन बाई ट्वेल्व एम टू का क्यूब प्लस वन बाई ट्वेल्व एम थ्री का क्यूब माइनस एम थ्री प्लस वन बाई ट्वेल्व एम फोर का क्यूब माइनस एम फोर डिवाइडेड बाई एन का क्यूब माइनस में एन। अब देखो बेटा आगे जरा देखिए बच्चे, इधर वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर कितना है बेटा साढ़े सात प्लस वन बाई ट्वेल्व। बेटा एम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है तो सारी जगह दो बार रिपीट हो रहा है, तो हर बार एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो का क्यूब कितना होगा आठ माइनस दो प्लस वन बाई ट्वेल्व आठ माइनस दो, वन बाई ट्वेल्व प्लस आठ माइनस दो प्लस वन बाई ट्वेल्व आठ माइनस, यहाँ पे था एट का क्यूब, यहाँ लिखना भूल गए हम, एट का क्यूब माइनस एट, तो बेटा पांच सौ बारह माइनस आठ सॉरी साढ़े सात प्लस बेटा देखो ये तो छह हो जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा आधा, ये भी हाफ बचेगा, ये भी हाफ बचेगा और ये भी 504, वन माइनस सिक्स साढ़े सात है बेटा यहाँ पे, दो कितना हो गया ये साढ़े नौ, कितना हो जाएगा ये साढ़े, ठीक है अब इसे आप सीधा सीधा सॉल्व कर लो, साढ़े नौ मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा छः, वन माइनस फिफ्टी सेवन अपॉन में फाइव जीरो, ये आ रहा है बेटा 0.12। ये आंसर आ जाएगा बच्चे आपका।